Hi guys, वेलकम बैक टू my चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है बेहतर होंगे तो guys, जैसे कि आप देख रहे हैं पास दो काले खल यहाँ पर प्याली में रखे हैं जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने जो चारकोल पाउडर बनाया है जो कि अगर आप नहीं देखा है ये बनाया था मैंने चारकोल पाउडर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा देख लें उस वीडियो को कि मैंने ये चारकोल पाउडर कैसे बनाया है बहुत ही आसान तरीका फ्री में चारकल बनाया मैंने तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको फेस पर कैसे लगाना है तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए वीडियो कि कैसे इसको लगाना है चेहरे पर तो मैंने यहाँ पर दो पील ऑफ मास्क बना रखे हैं एक है ये और एक है ये दोनों ही बहुत बेहतरीन है दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं तो चलिए फिर देखते हैं कि मैंने इन दोनों को कैसे बनाया है तो गाइस शुरू करते हैं यहाँ पर हम बनाना अपना एक्टिवेटेड चारकोल मास्क तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा ये चारकोल ये चारकोल मैंने घर पे ही बनाया है अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देती हूँ और आई बटन पर भी ये शेयर कर देती हूँ ताकि आप इसको देख लें कि मैंने इसको कितने आसानी से घर पर बनाया है तो मैंने यहाँ पर लिया है एक्टिवेटेड चारकोल हाफ टेबल स्पून चारकोल पाउडर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है एक्नीस का शय उसे ख़त्म कर देता है व्हाइट ब्लैकहेड्स ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो बिल्कुल इसको लगाया करें आप बिल्कुल रिमूव कर देगा आपका ये अब मैं इसमें डालूँगी मुल्तानी मिट्टी हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन को ग्लोइंग बनाती है एक्सेस ऑयल निकाल देती है एक्नीस ख़त्म करती है और डीपली क्लिन करती है अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शुगर शुगर वो लानी है आप पे वन टेबल स्पून लेकिन मैं शुगर ऐसा ही नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मोटी होती है दानेदार होती है आपकी स्किन को ये ख़राब कर सकती है शुगर को हम पहले यहाँ पर क्रश कर लेंगे थोड़ा सा तो वन टेबल स्पून देखिए मैंने इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है अब मुझे वन टेबल स्पून शुगर ले रही हूँ शुगर में होता है ग्लाइकोलिक एसिड जो आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट कर तो चौथी चीज़ जो बस इसमें शामिल करूँगी वो है हनी यानी कि शहद शहद मैं डालूँगी इसमें वन टेबल स्पून तो हनी जो होता है हनी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज रखता है एक्सफोलिएट करता है स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है ब्राइट बनाता है तो इसको ऐड कर लेना है अच्छी तरह से और हमारा फिफ्थ यानी कि लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारी हल्दी हल्दी पाउडर यानी कि टर्मेरिक वो डालते नहीं है यहाँ पे वन पेंच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है देख सकते हैं गाइस आप हमारा पील ऑफ मास्क बिल्कुल तैयार है जो कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है बिल्कुल नेचुरल है आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देगा सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव कर देगा अब चलते हैं अपने दूसरे पैक की तरफ जो उसको बनाना बहुत ही आसान है जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं ये एवर यूथ का पील ऑफ मास्क तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दूसरे मास्क को बनाना मैंने ये बाउल ले लिया है दूसरा और अब मैं इसमें भी डालने वाली हूँ चारकोल पाउडर जो कि हाफ वन फोर टेबल स्पून मैंने लिया है और इसमें कुछ नहीं करना आपको ये पील ऑफ मास्क इसमें डाल देना है अगर आप वो नहीं चाहते तो इसको बना सकते हैं दोनों के रिजल्ट्स ही बराबर होने वाले हैं बिल्कुल दोनों से ही आपकी स्किन ग्लोइंग लगने वाली है और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बिल्कुल भी बिल्कुल रिमूव होने वाले हैं तो इसको भी गाइज अच्छे से मिक्स कर लेते हैं डाल अभी थोड़ा सा इसमें सूखा सूखा है तो मैं इसमें और पील ऑफ मास्क यहाँ पर ऐड कर देती हूँ तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा दोनों ही पील ऑफ मांस बन के तैयार हो गए हैं ये वो है जो मैंने अपना नेचुरल से बनाया था फुल्ली होममेड है और ये वो है जो मैंने एवर यूथ पील ऑफ़ मास्क के साथ बनाया था आप देख सकते हैं कि दोनों में ही आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा और रिजल्ट में भी आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा अभी पील ऑफ मास्क बनकर तैयार हो गए हैं अब आपको क्या करना है इसको चेहरे पर लगाना है लेकिन उससे पहले अपने चेहरे को बिल्कुल साफ़ कर लें फेस वॉश कर लें कोई मेकअप है तो उसको बिल्कुल रिमूव कर लें और आपको लेनी है स्टीम इस तो इसको लगाने से पहले आपको अपने चेहरे पे स्टीम लेनी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी तो उसके लिए आप कर सकते हैं कोई बर्तन उसमें पानी भर के आप स्टीम ले सकते हैं या फिर यूज़ करते हैं ये वेपराइज़र इसमें आप पानी भरकर वेप... स्टीम ले सकते हैं इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और उसके बाद आप ये जब पाउडर ये मास्क लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को डीपली क्लींस करेगा उसके सारे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को निकाल देगा इसको आपको लगाना है जब तक जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता जब भी ड्राई हो जाएगा तो इसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे ठीक है और आप देखेंगे कि आपकी स्किन से इतने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो गए हैं वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है उसके बाद आपको अपनी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगेगी कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप लगाते हैं उसको लगा सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी डीपली क्लीन हो जाएगी बहुत ही बेहतर हो जाएगी तो गाय इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा लगाइए अगर आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं तो वीक में एक बार इसको आप लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद आता है चाहे ये वाला या फिर ये वाला जो भी आपको पसंद आता है आप लगा सकते हैं तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होती है आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूँगी लाजमी रिप्लाई करूँगी तो फिर गुड बाय फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में टाटा तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होती है आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूँगी लाजमी रिप्लाई करूँगी तो फिर गुड बाय फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में टाटा